Hello and welcome back to the Aquarist World. And today's video topic is how to change your aquarium background color to any color in just ₹50. तो अपन अपने एक्वेरियम के बैकग्राउंड का कलर किसी भी कलर में चेंज कैसे कर सकते हैं, या तो ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, कोई सा भी कलर, वो भी सिर्फ ₹50 में। तो इसी के ऊपर वाली वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड को ब्लैक करने के लिए, वो मैं यूज़ करूँगा जो फिल्म्स आती हैं जो कि बाइक्स और कार्स पे लगती हैं, उनके नेम नंबर प्लेट पे जो लेटर्स वगैरह लिखे जाते हैं तो उसी से लिखे जाते हैं, या तो फिर कोई स्क्रैच वगैरह लगते हैं तो उसके ऊपर उसको हाइड करने के लिए वो लगाई जाती है वाली फिल्म ब्लैक कलर की। वो मैट और ग्लॉसी लुक दोनों में आती है। और एक आती है टिंट, तो टिंट से भी अपन अपने एक्वेरियम के बैकग्राउंड जो है वो कलर कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ग्रीन में ही अवेलेबल होती है, और ब्लू में भी अवेलेबल होती है, लेकिन उससे हल्का सा ट्रांसपेरेंसी रहती है तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंट और इफेक्टिव काम नहीं करती अपने एक्वेरियम के बैकग्राउंड्स में। लेकिन जो फिल्म मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा सस्ती और बहुत अच्छा लुक देगी आपके एक्वेरियम को, एकदम जेट ब्लैक करती है अगर आप ब्लैक करना चाहें, या तो फिर एकदम वाइट, एकदम ब्लू, जौन सा भी कलर आप करना चाहें तो वो मिलेगा। तो जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो मैंने वाली ब्लैक कलर की फिल्म यूज़ की है, जो कि मुझको पड़ी है अराउंड ₹50 की पड़ी थी मुझे, और उसमें मेरे बैकग्राउंड्स और सारे बॉर्डर्स हो गए थे एक्वेरियम के। तो आपने देखा होगा कि मेरा जो गोल्डफिश वाला टैंक है उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है, तो उसी में मैंने ये वाली फिल्म यूज़ करी थी। उसी की वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने उस वाले बैकग्राउंड का कलर ब्लैक किया था इस वाली फिल्म को यूज़ करके। और ये वाले जो फिल्म के रेट हैं ये तो मुझको ₹50 पड़े थे, लेकिन हो सकता है कि आपके एरिया में ये थोड़े ज़्यादा हों, या तो हो सकता है थोड़े कम हो। मेरे एरिया में तो मुझे कहीं पर ये ₹60, ₹50, ₹80 की मिल रही थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा मार्केट में तो मुझे अराउंड ₹50 की मिल गई थी। 2 फिट बाय 3 फिट का एक पूरा पीस मिला था ₹50 का। हो सकता है कि आपके मार्केट में थोड़े वैल्यूएशन इसकी वेरी कर जाए अलग अलग, हो सकता है कि सस्ता ही मिल जाए, कि हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, लेकिन हाँ आपका अराउंड 100 के अंदर तो काम हो ही जाएगा 100% अगर आप अच्छी सही जगह से थोड़ा रिसर्च करके लेंगे इस चीज़ को तो। और ये ग्लॉसी और मैट में आती है, तो आपको अगर अपने बॉर्डर्स का जो लुक है वो मैट में देना है तो आप मैट ले सकते हैं, अगर ग्लॉसी में देना है तो ग्लॉसी ले सकते हैं, लेकिन आप ग्लॉसी या मैट दोनों लें तो जो आपके एक्वेरियम का बैकग्राउंड कलर होगा वो तो आपको ग्लॉसी ही दिखेगा, क्योंकि जो उसकी अंदर वाला साइड रहता है वो तो उस पर पेस्ट होता है, इसलिए सिर्फ बाहर की साइड से वो मैट रहता है, तो ग्लॉसी मैट वहाँ पर वेरी नहीं, मतलब मैटर नहीं करेगा अगर आप पीछे ला रहे हैं, वो मैटर करेगा आपके बॉर्डर्स पर, तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। तो वही मैं आपको इस वाली वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको एक्वेरिस्ट वर्ल्ड के थ्रू मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वाली वीडियो। तो हम लोगों को ये वाली जो फिल्म है ब्लैक कलर की जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें बैकग्राउंड के लिए, उसको पेस्ट करने के लिए सबसे पहले कॉलिन, एक एटीएम कार्ड, एक ब्लेड और थोड़ा सा वाटर चाहिए पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पेस्ट करना। तो ये वाली फिल्म पेस्ट करने से पहले सबसे पहले अपन को ये अपना जो ग्लास है उसको साफ़ करना पड़ेगा अच्छी तरीके से कॉलिन से, और हमेशा ग्लास को साफ़ करने के लिए पेपर का यूज़ करा करें, कभी भी कपड़े वगैरह का यूज़ नहीं करें, कपड़े वगैरह से थोड़े बहुत उसके रेसे वगैरह से रह जाते हैं, पेपर से एकदम अच्छे से क्लीन होता है ग्लास, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे उसके बाद उसमें पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपनी जो फिल्म है उसको मेजर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको कट कर लेंगे साइड्स से ताकि एकदम फिट बैठे वो। Thank you.
अब पेस्ट करने से पहले पूरे ग्लास पे एक्वेरियम के पानी डाल लेंगे अच्छे तरीके से, और पेपर से उस पानी को पूरे में स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे अपनी फिल्म। ये फिल्म जो है स्टिकर के टाइप की होती है थोड़ी सी, तो ये ईजिली हट जाती है और आसानी से चिपक जाएगी। लेकिन अगर आप वाटर का यूज़ नहीं करेंगे इसको चिपकाने के लिए, तो इसकी जो चिपकन है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा स्टिकी होती है ये, कि आप चिपकाएंगे फिर वो हटती नहीं है ईजिली। तो हमेशा वाटर का यूज़ करके करें, क्योंकि अगर बीच में बबल्स आ गए और आपने फिर एटीएम से हटाना चाहा बिना पानी के, तो वो नहीं हटते हैं। तो इसलिए अपन को वाटर का यूज़ करना पड़ता है। तो वाटर के यूज़ करने से बहुत ज़्यादा ईजिली हट जाते हैं उसके बबल्स, इसलिए वाटर का यूज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको अच्छे से मेजर करके ऊपर नीचे साइड से फिर उसको पेस्ट करेंगे अपन। हम लोगों ने गलत साइड से स्टार्ट कर दिया था पेस्ट करना, हम लोग दूसरी साइड से करते हैं फिर से एक और बार इसको पेस्ट। और जो इसमें बबल्स वगैरह बने हैं उनको एटीएम का यूज़ करके ईजिली हटा देते हैं, और ये इतनी ईजिली इसलिए हट रहे हैं क्योंकि इसके नीचे वाटर पड़ा हुआ है तो ईजिली स्लिप कर जा रहे हैं। सिर्फ सिंपल वाटर डालिए, कोई भी इसमें डिटर्जेंट वगैरह का वाटर या कोई शैम्पू का पानी नहीं डालिए। वो शैम्पू का पानी डिटर्जेंट का पानी यूज़ आता है जब अपन वो पन्नी वाली टिंट लगाते हैं अपने एक्वेरियम के बैकग्राउंड में, तब उसका यूज़ आता है। इसमें सिंपल वाटर का यूज़ करना है अपन को, ताकि ईजिली जो भी बबल्स वगैरह बने वो ईजिली हट जाएँ, साइड तक पहुँच के एकदम बाहर निकल जाऊँ, प्लेन बैकग्राउंड मिले अपन को पूरा अच्छी तरीके से। तो हम लोगों की ये पूरी लग गई है, अब इसको पूरा अच्छी तरीके से कर लेंगे, एटीएम से सारे बबल्स वगैरह हटा लेंगे इसके। अब ये पूरा पेस्ट होने के बाद इसको जो कॉर्नर्स वगैरह हैं उनको अच्छे से करने के लिए हेयर ड्रायर का यूज़ करेंगे। हेयर ड्रायर से इसको गर्म कर करके पेस्ट करेंगे पूरा, और जो वाटर होगा इसके अंदर वो भी सूख जाएगा हेयर ड्रायर से, तो एकदम अच्छे से पेस्ट हो जाएगा ये पूरा।
और ATM के कार्ड यूज करके उसके बबल्स वगैरह भी हटाते जाएंगे साथ ही साथ जो भी होंगे। और ये जो दो मार्क्स देख रहे हैं आप इसके पीछे, वो एक्चुअली सेलो टेप के मार्क हैं, क्योंकि जो फोल्ड करके दिया था शॉपकीपर ने तो उसमें सेलो टेप लगा दिया था, तो उसकी जो स्टिकी पार्ट रहता है तो वो उसमें लगा रह गया था पेपर पे, तो वो इजीली हट जाएगा पेट्रोल वगैरह से किसी भी चीज़ से इजीली हट जाएगा वो तो, लेकिन अपन को कोई मैटर नहीं है उससे क्योंकि वो पीछे रहेगा। और कॉर्नर्स पर बॉर्डर बनाने के लिए, ऊपर बॉर्डर बनाने के लिए आप कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हैं साइड में। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया विद बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हर चीज की, बैकग्राउंड की और बॉर्डर्स की। तो देखा आपने कितने इजीली और कितने सस्ते में एक्वेरियम का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का कर दिया है मैंने, और आप किसी भी कलर का कर सकते हैं जिसका भी आप चाहें, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जिसका भी आप चाहें।
बस आपका जो वो वाला पेपर है जो फिल्म रहती है जो गाड़ियों वगैरह पे लगती है, तो वो जिस भी कलर पे अवेलेबल होगी आपके पास तो आप उसमें कर सकते हैं उसको कलर, और वो भी सिर्फ 50 रुपये का पड़ा था ये वाला। मुझे ये अराउंड 3 फिट बाय 2 फिट का पूरा पीस था एक, और ये मुझे ओनली 50 रुपीज़ का पड़ा था, और इसमें मेरा पूरा बैकग्राउंड, ये सारे बॉर्डर्स, ये सब कुछ हो गया। अभी भी मेरे पास थोड़ा वो बचा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सस्ते में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्प्रे पेंट वगैरह भी लेते हैं तो वो अराउंड 180 to 200 की एक बोतल आती है छोटी सी, और अगर आप कोई पेंट वगैरह भी लेते हैं तो भी वो भी अराउंड 100 रुपीज़ ही आता है, 100 के ऊपर ही आता है कुछ कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। और जो पेंट होते हैं स्प्रे पेंट या ऑयल पेंट जो अपन करते हैं वो ब्लेड वगैरह से या शार्प चीज़ से हट जाते हैं, बार बार साफ़ करने से भी वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन ये वाला जो मैट फिनिश का मैंने पेपर यूज़ किया है ये इतनी ईजिली नहीं हटेगा, इसको जब हटाएंगे तभी हटेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी रहता है और बहुत अच्छे से चिपकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी बबल्स वगैरह ना आए तो आप पानी का यूज़ करके इसको स्टिक करिए तो कोई भी बबल्स नहीं आएंगे, और आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, जो बबल्स आएंगे उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन अगर आप पानी का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उन बबल्स को हटाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी रहता है इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है इसका जो चिपकन होती है इसमें, इतनी ईजिली नहीं हटता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। आप भी देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ सब कुछ हुआ है इसमें। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और जिसको भी अपने एक्वेरियम का बैकग्राउंड कलर करना है या कुछ भी करना है तो उसको यार वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मेरे 2 पेजेस हैं, एक्वेरियस वर्ल्ड, एक प्रवेश चौरसिया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।